दोस्तों हम सभी को पता है कि इटिगो ऐप 50% तक का डिस्काउंट देता है रेस्टोरेंट रिजर्वेशन पे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इटिगो का इसमें क्या फायदा है? इटिगो आपको कितने इतने परसेंट डिस्काउंट क्यों दे रहा है? इसमें उसको इटिगो कंपनी को अर्निंग कैसे होती है? उसका बिजनेस मॉडल कैसा है? तो इस सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैप्पी गाइड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हम सभी को पता है कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लंच टाइम और डिनर टाइम पे, मतलब लंच टाइम पे अगर मैं कहूँ तो 1 बजे से 3 बजे तक मुंबई में लंच टाइम माना जाता है। हर एक सिटी का अलग अलग होता है, तो मैं मुंबई के हिसाब से बात करूंगा तो मुंबई में 1 से 3 लंच टाइम होता है, और डिनर टाइम की बात करूं तो कुछ अराउंड 9 to 11 ये डिनर टाइम होता है। तो इस समय रेस्टोरेंट पूरे पैक होते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट तो फुल डे ओपन होता है, तो इस टाइम के अलावा बाकी टाइम रेस्टोरेंट में अगर टेबल्स है वो तो खाली ही है, तो इनको फिल कैसे किया जाए? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2013 में जो माइकल क्लूजल है सीईओ ऑफ इटिगो, इन्होंने एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम है इटिगो, और उसके बाद उन्होंने एक ऐप बनाया और एक एवरो ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों में चलता है, और एक वेबसाइट भी बनाई, और उसके बाद उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट के टाइप किया। रेस्टोरेंट के टाइप करने के बाद उन्होंने खाली एक ही कहा कि आपके जो पीक आवर्स के अलावा, मतलब 1 से 3 के बाद जो टेबल्स खाली हैं उनको हम फिल करेंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं कि बाकी टाइम पे जो 3 से 6 या 3 से 9 का टाइमिंग है, इस टाइम पे जो टेबल्स खाली होते हैं इनको हम फिल करेंगे। इसके लिए बस हमें कुछ चाहिए, थोड़े से कमीशन, क्योंकि हम आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे अच्छे अच्छे ऑफर्स देके। और इसके बाद माइकल क्लूजल जो सीईओ है और उनकी पूरी टीम ने मिलकर इस ऐप पे काम किया और एकदम अच्छे से ऐप को बनाया और इसमें एक लॉजिक सेट किया। वो लॉजिक ये है कि आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 से लेके 50% तक का, लेकिन वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो उनके हाथ में था। और उनका मिशन कंपनी का यही कहता है कि आपको डिस्काउंट तो मिलेगा लेकिन ऑफ पीकर्स पे। ऑफ पीकर्स मतलब कि लंच टाइम और डिनर टाइम, उस टाइम जो कस्टमर होते ही है उसके अलावा जो टाइम बचते उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे ही इनका ऐप हो गया रेडी, तो उन्होंने मार्केट में इनका प्रमोशन करना चालू कर दिया अलग अलग सिटीज में। तो और ये इटिगो ऐप बहुत ही लिमिटेड सिटीज में अवेलेबल है, लिमिटेड कंट्रीज में कहूंगा, और अगर इंडिया की मैं बात करूं तो सिर्फ मुंबई और पुणे में ही अभी तक ये अवेलेबल है। और इस इटिगो ऐप को हमारे एक अच्छे फेमस पॉपुलर बहुत ही जाने माने एक यूट्यूबर ने प्रमोट किया है, थैंक्स, और उनके थ्रू ही मुझे इस ऐप के बारे में पता चला था कि इटिगो ऐप है जो आपको 50% तक का डिस्काउंट देता है रेस्टोरेंट रिजर्वेशन पे। और उनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको एक हिंट देना चाहूंगा, उनका नाम शुरू होता है एम से, उनका जो YouTube चैनल है। और अगर आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट करना जरूर, मैं भी जानना चाहता हूं कि कितने एक्टिव सब्सक्राइबर हैं जो उनको भी फॉलो करते हैं मेरे साथ साथ। दोस्तों अब तक हमने देखा कि भाई ऐप भी बन गया और प्रमोशन भी हो गया उस ऐप का, अब बारी थी इटिगो के अर्निंग की कि वो अब अर्निंग उसकी कैसे हुई इटिगो की। तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि उनकी अर्निंग कैसे होती है। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, तो एक कस्टमर का नाम, हाँ, तो मिस्टर नफाड़े को लंच करना होता है। तो मिस्टर नफाड़े देखते भाई कि कितने बजे आज मैं जाऊं, तो वो डिसाइड करते कि मैं 1 बजे जाता हूं। तो उनको इटिगो के ऐप के बारे में पता चलता है, तो ऐप ओपन करते हैं। ऐप ओपन करने के बाद उनको दिखता है कि भाई 1 बजे मुझे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 12 बजे मुझे मिल रहा है 50% तक का, और 12:30 बजे 12:30 को भी मिल रहा है हमको 50% का। तो बस उन्होंने अपना थोड़ा सा माइंड चेंज किया और उसके बाद वो जाते हैं 12:30 को उस रेस्टोरेंट में इटिगो के थ्रू, अपना टेबल बुक किए देते हैं 12:30 बजे का। होटल में जाते हैं और जैसे वो एंटर करते हैं वैसे बता देते हैं कि मैंने इटिगो से टेबल बुक किया हुआ है। तो उनको उनका टेबल ऑलरेडी रिजर्व होता है, तो रिजर्व टेबल पे जाके बैठते हैं और उनका जो भी ऑर्डर है वो करते हैं। और बाद में फाइनली एक आता है लंबा सा बिल, बिल आने के बाद उनका 50% ऑलरेडी डिस्काउंटेड बिल आता है। वो काफी खुश होते हैं उस बिल को देखते हुए और खुशी खुशी उसको पेमेंट कर देते हैं।
और जैसे ही उनका बिल पेमेंट होता है वैसे ही इटिगो को उनका जो कमीशन अमाउंट है उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर नफाड़े भी खुश हो गए और इटिगो की तरफ से उनकी टीम भी खुश हो गई। तो इटिगो और कस्टमर दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन रहता है इस ऐप के थ्रू, और यही इसका अर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसी के थ्रू इटिगो अर्न करता है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मिस्टर नफाड़े जो जा रहे थे लंच करने 1 बजे, जिनको मिल रहा था 10% तक का डिस्काउंट, इटिगो ने अट्रैक्ट किया उसको 50% तक का डिस्काउंट देके। उन्होंने सिर्फ जो खाली टेबल था 12:30 बजे उसको फिल करवाया इटिगो ने, और यही इसका काम है। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेस्टोरेंट को भी फायदा हो रहा है कि जो उनके खाली टेबल है वो भी फिल हो जा रहे हैं, बस उनको एक छोटा सा कमीशन देना पड़ता है इटिगो को, क्योंकि इटिगो उनको हेल्प कर रहा है उनके खाली टेबल को फिल करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बस यही था इसका बिजनेस मॉडल, और इसी के थ्रू इटिगो अर्न करता है। और इटिगो अराउंड 1000 या 2000 से भी रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टाइप है, और ये डे बाय डे ग्रो होते जा रहा है, और ये बाकी सिटीज में भी जल्दी आने वाला है। तो अगर आप अलग सिटीज से देख रहे हो, अगर मुंबई या पुणे के अलावा, तो बस वेट कीजिए थोड़े दिन का, शायद जल्दी ये न्यूज आने वाली कि इटिगो अलग अलग सिटीज में आ गया है। और जैसे ही आएगा तो आपका हैप्पी गाइड आपको जरूर अपडेट कर देगा कि भाई आपकी सिटी में भी आ गया है। आप एंजॉय कीजिए और फुल ऑन इस ऐप को धमाल की तरह यूज कीजिए एकदम मस्त से। और दोस्तों ईटीओ को यूज करने के लिए, उसका टेबल बुक करने के लिए आपको प्री पेमेंट कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब आपको 1 भी रुपए बुक नहीं देने नहीं होते ईटीओ को। जब भी आप बुक कर रहे हो, जब आप रेस्टोरेंट में पहुंचते हो, बिल आता है, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप रेस्टोरेंट का टेबल बुक करते हो और इनकेस आप नहीं जा रहे हो, तो प्लीज आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर आपने उसको एक बार बुक किया और नहीं गए, दो बार गए, दूसरी बार भी बुक किया बट नहीं गए, तीसरी बार गए और तभी भी कैंसिल नहीं किया, तो आपका इटिगो जो है आपका यूजर ब्लॉक कर देगा, तो उसके बाद आप इटिगो यूज नहीं कर पाओगे। ये यूट्यूब की इटिगो की पॉलिसी है, तो इसमें आपका हैप्पी गाइड भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप टेबल बुक कर रहे हो, तो उसको अगर आप नहीं पहुंच पा रहे किसी कारण से, तो आप लास्ट मिनट पे भी आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने 7 बजे का भी बुक किया हुआ है टेबल, तो आप 6:59 को भी वो टेबल कैंसिल कर सकते हो। उसके लिए आपको इटिगो कोई आके कुछ नहीं बोलने वाला, बस आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी तरह से इटिगो में मेंशन रहेगा कि आपने भाई टेबल बुक किया था, कैंसिल किया ड्यू टू सम रीजन। तो दोस्तों ये वीडियो सजेस्ट किया है अभिजीत चौधरी जी ने, तो थैंक यू अभिजीत फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो में आपका कमेंट पढ़ने है, मुझे फील हो कि शायद इस पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इटिगो का बिजनेस मॉडल कहीं भी अवेलेबल नहीं, यूट्यूब पे सर्च करने के बाद भी मुझे ये वीडियो नहीं मिला। सो थैंक्स वंस अगेन अभिजीत, और बाकी लोग से भी मेरी यही एक रिक्वेस्ट रही, अगर आपको लगता है कि आपका हैप्पी गाइड आपके लिए कुछ वीडियो बनाए, तो प्लीज कमेंट करो, प्लीज कमेंट करो, मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, या आप चाहते हो कि मैं कोई टॉपिक पे अच्छे से बनाऊं रिसर्च करके, तो जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बहुत अच्छा लगता है, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और जो लोग नए हैं आपको पता ही क्या करना है, हैप्पी गाइड फैमिली को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, और हम लोग बहुत ही जल्दी 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर देंगे, धीरे धीरे हम 500 की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत ही आपका प्यार बना रहे, आपका सपोर्ट बना रहे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोग हैप्पी गाइड को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? इंस्टाग्राम की मेरी अकाउंट है हैप्पी गाइड, हैप्पी में डबल वाई है, ध्यान रखना सर्च करते वक्त, और फॉलो करो, वहां पे यार सारे अपडेट्स आते रहते हैं, नई वीडियो कौन सी आ रही है, ट्रैवल कर रहा हूं, एडिटिंग कर रहा हूं, सारे अपडेट्स वहां पे आते रहेंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय।